नमस्कार दोस्तों, कैदियों की किल्लत से बंद हो जाएंगे इस देश की जेलें, पड़ोसी देश से उधार लिए अपराधी। जी हां, नीदरलैंड के जेलों को बंद होने की वजह वहां का लो क्राइम रेट है, जिसके साथ ही अगर कोई कैदी जेल जाता है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकालकर समाज से जुड़ने की मुहिम शुरू हो जाती है। इसकी वजह लगभग नीदरलैंड की सारी जेल बंद हो चुकी है। वहीं डच देश में हुई स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई कि यहाँ हर 1 लाख की आबादी पर केवल 61 लोग ही अपराध करते हैं। इतना ही नहीं, इन अपराधियों पर कोई भी गंभीर आरोप नहीं होते हैं। अगले 3 सालों में कितने रह जाएंगे अपराधी? नीदरलैंड की वर्तमान आबादी लगभग 1.73 करोड़ है। आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां के जस्टिस विभाग ने अनुमान लगाया है कि साल 2023 तक पूरे देश में कुल मिलाकर 9,810 अपराधी हो सकते हैं। बता दें कि ये कैदियों की ये जो संख्या है ये अधिकतम मानी जा रही है। पड़ोसी देश भेज रहे हैं अपने कैदी। जी हाँ, नीदरलैंड में जेलों की हालत ऐसी हो गई है कि पड़ोसी देश नॉर्वे से कैदी भेजे जा रहे हैं। असल में नॉर्वे में अपराध का दर काफ़ी ज़्यादा है। बता दें कि ये व्यवस्था साल 2015 में शुरू हुई थी, क्योंकि नॉर्वे के पास अपने कैदियों को रखने की जगह कम पड़ रही है। हालांकि इन देशों के कैदी को काफ़ी बेहतर ढंग से रखा जाता है और खान पान की भी सही बंदोबस्त होता है। कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को मानवाधिकार के लिहाज से ज़रूरी माना जाता है। जेल भेजने की बजाय इस तरह से दी जाती है दूसरी सजाएं। जी हाँ, नीदरलैंड की जेलों में कैदियों की कम संख्या के पीछे एक वजह ये भी है कि यहाँ अपराध पर जेल की सज़ा देने की बजाय दूसरी सजाओं को अहमियत दी जाती है, जैसे जुर्माना भरना या सोशल वर्क से जुड़ा कोई काम। अस्पतालों या सरकारी दफ्तरों में काम करने की सज़ा भी अपराधियों को मिलती है। इस वजह से जेल में कैदियों की संख्या कम हो जाती है। जेल बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? नीदरलैंड की जेल बंद होने पर 2 तरह से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो घटती अपराध दर का मतलब सुरक्षित देश। वहीं रोजगार के नज़रिए से देखें तो जेल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? नीदरलैंड की जेल बंद होने पर 2 तरह से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो घटती अपराध दर का मतलब सुरक्षित देश। वहीं रोजगार के नज़रिए से देखें तो जेल में काम करने वाले बेरोज़गार हो जाएंगे। यहां पर जेल बंद होने का मतलब ये है कि वहां के लगभग 2000 लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी होंगी। हालांकि जेलों को बंद होने का अर्थ ये भी है कि नीदरलैंड एक देश और नागरिकों के रूप में सफल हुआ है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।